नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सुबह सुबह की इस वीडियो में अखबारों में छाई हुई जो सुर्खियां होती हैं, जो शिक्षा जगत से और रोजगार से संबंधित होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के पेपर में बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, इन खबरों की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है कि अब अभ्यर्थियों के लिए मित्र के रोल में आया आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के लिए अब मित्र के रोल में आ गया, जैसा कि उसको होना चाहिए। एक समय था कि लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते थे, कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार के ज्वाइन करने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि मित्र के रोल में आया है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक मित्र का रोल होता है वो अदा किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। दूसरी बड़ी न्यूज है, जेई 2013 का परीक्षा का परिणाम 15 को जारी किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि ये परिणाम काफ़ी दिनों से लंबित है। और तीसरी न्यूज है, 68,500 शिक्षक भर्ती की स्कैन कापियां अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। एक याचिका के जवाब सुनवाई में ये कहा गया है। और चौथी न्यूज है, LT ग्रेड रिजल्ट और सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों, कल की जो मुलाकात हुई है छात्रों की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, उससे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि रिजल्ट और सत्यापन की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है और जल्दी हो गई है। एक और गुड न्यूज है आपके लिए कि प्रधानाचार्य भर्ती 2011 से जो लटकी हुई थी, 999 प्रधानाचार्यों की जो भर्ती थी, वो अब बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि 30 तारीख को इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके साथ साथ एक और न्यूज है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की जो फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस जो होती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, एक एक खबरों का विश्लेषण करते हैं, आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, UPPSC की न्यूज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग भी दिया गया है, UPPSC में बदलाव की बहार, बहुत सारी शिकायतों पर हुई सुनवाई, मिला आश्वासन, जेई भर्ती 2013 परीक्षा का परिणाम 15 तक आ जाएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। और जैसा कि आपको बता दें, डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने जो बुधवार का समय नियत किया था अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे थे। हालांकि कल काफ़ी बारिश वगैरह भी हो रही थी, उसके बाद भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। LT ग्रेड के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा पहुंचे थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो सभी लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे, तो और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा वो ये है कि जो JEE की परीक्षा हुई थी 2013 की, उसका परिणाम जो है 15 अगस्त तक आ जाएगा, और इस परिणाम के बाद जो है इस साल के अंत तक इसकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये JEE के काफ़ी ज़्यादा पद थे, JEE के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। अब एक अभ्यर्थी की शिकायत पर DM को भी फ़ोन किया, ये इसी के लिए मैं बोल रहा था कि लोक सेवा आयोग मित्र के रोल में आया, जो कि उसका रोल होता है, क्योंकि इन्होंने जब किसी को ज्वाइनिंग के लिए ऑफर दिया है, लेटर दिया, सेलेक्ट किया है, तो जिले से अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका निस्तारण करना भी लोक सेवा आयोग का काम होता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देवरिया से आए अरविंद कुमार के लिए आयोग के अध्यक्ष मसीहा बनकर सामने आए। अरविंद ने आयोग अध्यक्ष से बताया कि उसका चयन प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद पर हुआ है, उसके साथ के सभी चयनितों की ज्वाइनिंग मिल गई है, जिले से उसका सत्यापन फंसा होने में उसे नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इस बात पर आयोग अध्यक्ष ने तत्काल DM देवरिया को फ़ोन करके चयनित अभ्यर्थी के सत्यापन के बारे में जानकारी मांगी और उसे पूरा करने को कहा। यही काम है आयोग का, आयोग इसलिए बनाए जाते हैं कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी सहायता की जाए और अच्छे से अच्छे और योग्य से योग्य अभ्यर्थी का चयन करके ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो उस रोल में अब आयोग आया है। स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी आयोग अध्यक्ष से नहीं मिल पाए। और LT ग्रेड के बारे में जो है न्यूज़ यहाँ पे, LT ग्रेड जांच पूरी होते ही ज्वाइनिंग हो जाएगी LT ग्रेड की। और LT ग्रेड के बारे में मैंने कल अपने वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स जो भी चर्चा हुई थी उसके बारे में बता दिया था मैंने कि इनका काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और अध्यक्ष ने, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने भी बोला है कि STF से कि एक महीने में अपनी जाँच रिपोर्ट दे दीजिए। और अभ्यर्थियों से भी बोला गया है कि आप भी जो है बनारस में अपने एक टीम भेजिए और बात कीजिए वहाँ पे,
एसटीएफ से कि जल्दी जल्दी रिपोर्ट दे दे, और गोपनीय दस्तावेज उनको दे दिए गए हैं। ये सारी बातें हुई कल। एसटीएफ को डाक से भेज दिए गए गोपनीय दस्तावेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एसटीएफ को जब ये दस्तावेज भेजने के साथ साथ ही जो है 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में एसटीएफ ने मांगा था। इन सभी पॉइंट्स का जवाब दे दिया गया है एसटीएफ को, और ये सारा जवाब डाक से भेजा गया है एसटीएफ को। दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती से भी एक न्यूज है यहाँ पे कि इनकी स्कैन कापियाँ जो है वो जल्द ही इनको मिल जाएगी। और एक याचिका की गई थी कि वेद प्रकाश कुशवाहा की तरफ से याचिका की गई थी कि स्कैन कापी इनको मिले, तो उस पर जजमेंट दिया गया है कि इनकी स्कैन कॉपी इनको दे दी जाए, और इस तरह के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी स्कैन कॉपी उनको दे दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने 2,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा किया था स्कैन कॉपी के लिए, उसके बाद भी इनको स्कैन कॉपी नहीं मिल रही थी और इनके 2,000 रुपये भी लगे थे, तो उसके लिए आदेश दिया गया है कि इनको स्कैन कॉपी दे दी जाए। प्रधानाचार्यों के 999 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, 8 वर्ष बाद वो अब पूरी होने जा रही है और इसका रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। ये रिजल्ट 30 जुलाई को घोषित हो रहा है। विज्ञापन 2011 का है, रिजल्ट 30 जुलाई 2019 को घोषित हो रहा है। इस बीच में प्रदेश में तीन सरकारें बसपा सपा और अब भाजपा आ चुकी हैं, ये हाल है सरकार का। अब ये जो प्रधानाचार्य बनेंगे 8 साल के बाद, उनमें क्या वही जोश होगा जो अप्लाई करते समय था नौकरी करने के लिए? ये सब चीज़ें जो है जितना लेट होती हैं उतना ही अभ्यर्थियों को पीड़ा देती हैं। चलिए खैर, अभी हो रहा है तो 999 लोगों को जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये डीएलएड यानी बीटीसी, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ऑनलाइन पंजीकरण कराने की, वो 11 जुलाई है, शाम 6 बजे तक होगी। उसके बाद कोई भी पंजीकरण स्वीकार ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, और अभी तक 3,20,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। अब डीएलएड से ज़्यादा अच्छा लोग बीएड को मान रहे हैं, इसलिए डीएलएड की तरफ थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है लोगों का, क्योंकि बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर दिया गया है कि प्राइमरी शिक्षक की कोई भी भर्ती होगी प्रदेश में तो उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसलिए थोड़ा सा बीटीसी की तरफ से रुझान लोगों का कम हो रहा है, उधर से कम जाना चाहते हैं लोग, इसलिए इस बार फॉर्म कम पड़े हैं। एक और न्यूज है दोस्तों, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा शुल्क होती है उसमें भारी वृद्धि की गई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। हाई स्कूल की 200 से बढ़ा के 500 कर दी गई है, और व्यक्तिगत फॉर्म के लिए 300 से बढ़ा के 700 कर दी गई है। इंटरमीडिएट की 220 से बढ़ा के 600 कर दी गई है, और व्यवसायिक के लिए 400 से बढ़ा के 800 कर दी गई है। एकदम से इतना ज़्यादा शुल्क बढ़ाया गया है यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों पर, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए था। तो ये थी दोस्तों अपडेट आज के सभी न्यूज़ पेपरों में छपी सुर्खियों के बारे में, जो आपके शिक्षा जगत से और रोजगार से संबंधित होती हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे डेली आपको मिलते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की भर्तियों की पूरी सूचनाएं लेके आते हैं, जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके बारे में, और जो भी अपडेट होती है कोर्ट केसेस होते हैं उनके बारे में, और टाइम टू टाइम हम अपने चैनल पे क्लास भी चलाते हैं। दोस्तों एक नई अपडेट के साथ फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
तब तक लिया ज्ञान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।